फेक रिव्यू पोस्ट करने पर ई कॉमर्स वेबसाइटों को भारी जुर्माना लग सकता है। सरकार इसके लिए नए दिशा निर्देशों को लेकर आ रही है। बताया जा रहा है कि यह जुर्माना 10 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का हो सकता है। नई दिल्ली प्रोडक्ट्स के नकली रिव्यू पोस्ट करने पर ई कॉमर्स संस्थाओं को भारी जुर्माना हो सकता है। इसके सरकार नए दिशा निर्देश लागू करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि इसके लिए सरकार जल्द ही दिशा निर्देशों को लाने जा रही है और इसकी गाइडलाइंस तैयार भी हो गई है, जिसे अंतिम रूप दिया जा सकता है। ऐसे में यह भी बात सामने आ रही है कि सरकार ने इसके लिए एक समिति का भी गठन किया है, जो फेक रिव्यू पोस्ट से संबंधित मानदंडों में बदलाव को अंतिम रूप दे रही है। इसे 2021 में भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा तैयार किया गया है। आपको बता दें कि अगर यह दिशा निर्देश लागू होते हैं तो यह अनिवार्य हो जाएंगे कि नकली रिव्यू पोस्ट करने पर संबंधित ई कॉमर्स संस्थाओं पर जुर्माना लगेगा। होता क्या था कि यह ई कॉमर्स संस्थाएं अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए फेक रिव्यू पोस्ट करवाती थी, जिससे उनका सेल्स बढ़ता था। लेकिन इस दिशा निर्देश के लागू होने के बाद इस पर अंकुश लगेगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अनुसार जो कोई भी ई कॉमर्स संस्था फेक रिव्यू पोस्ट करता है या बढ़ी हुई रेटिंग देती है, उन पर यह जुर्माना लगाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस जुर्माने की रकम 10 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक हो सकती है। यही नहीं, सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आई है कि ऐसे मामलों में उपभोक्ता मामलों का विभाग स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। बताया जा रहा है कि BIS मानदंडों में बदलाव कर कमेटी एक हफ्ते में सुझाव दे सकती है, जिसके बाद इस पर आगे के काम किए जाएंगे। हालांकि इस मामले में पैनल ने बुधवार को एक बैठक की थी, जिसमें शीर्ष अधिकारियों के साथ साथ कई हितधारक भी वहां मौजूद थे। ऐसे में दिशा निर्देश जल्द लागू होने की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।